अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि इस मुबारक महीने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए कौन सी दुआ मांगी थी और हमें कौन कौन सी दुआ मांगनी चाहिए, दुआ में क्या कहना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, औलाद के लिए दुआ जिलहिज्जा की तारीख 7, 8, 9 और 10 को खास है। दोस्तों, औलाद के हक में दुआ मांगनी है क्योंकि इन दिनों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए दुआ मांगी थी और अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई थी। औलाद की ज़िंदगी, सेहत, माल और इज्जत में बरकत के लिए दुआ करनी है। औलाद के अच्छे नसीब और नेक जोड़े के लिए दुआ करनी है। तमाम माँ बाप ये ज़रूर करें। दोस्तों, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मैसेज को हज से पहले सब तक पहुंचा दें ताकि इन मुबारक दिनों में माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक भेजें ताकि उन्हें भी पता चले कि इस मुबारक महीने में किस किस चीज़ों के बारे में दुआ करनी चाहिए अल्लाह से, और बेशक ये दुआ ज़रूर कबूल होती है क्योंकि इसी महीने में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए दुआ की थी और उनकी दुआ कबूल हुई थी। और कयामत तक जो भी दुआ करेगा इंशाल्लाह उसकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।